एप्लीकेशन साइन करने तो इनकार कर देता भी गवर्नर रूल नहीं लग सकता। इन्होंने उतो रेंजर भेजी, असी क्या कि सारे पंजाब के जट कट्ठे हो जाओ, एक पासे सारे पंजाब के जट कट्ठे हो। उस वेले फिर पहला मैं चौधरी अमजद बड़ाइच नूं देखिया, बिलाल नूं, इन्हां सारे दोस्तों नूं देखिया। इन्होंने उदो भी जट्टां दा मान बताया, इन्होंने बिलाल ने और इस फैमिली ने, हसाम ने, नसारिया ने साडा मान वधाया। और बिल्कुल सही बात है, इस असेंबली में क्या क्या ऑफर्स नहीं की गई, लोगों को बुला के 5-5 करोड़ इस तरह बांटे गए जिस तरह रेवड़ियां बांटी जाती हैं, धमकियां दी गई, क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन जो लोग साबित कदम रहे और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहने ना ओ बिलावल भूखा मरम मरियम प्यासी 186 वो 186 जरा ना वो बिलाल ने फिर पूरा किया। और 186 जब पूरा हुआ है तो उसके बाद तुम चीका तो हूं तक सुन रहे हो, उधर 186 पूरा हो उधर इन्हों की लक टूट गया। और इमरान खान ने जड़े कहते सन कि सियासत नहीं आती, हूं मैं पूछे सियासत आती है या नहीं आती, हूं सारे पता लग गया। और इंशाअल्लाह ताला लड़ाई इमरान खान की नहीं है, लड़ाई कोई तरीके इंसाफ की नहीं है, कोई शाह साहब की, असद उमर की, कोई मेरी हमारी लड़ाई नहीं है। लड़ाई पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर शख्स की है। इसकी वजह यह है कि हम क्या कह रहे हैं, हम असेंबलियों से बाहर क्यों हैं, ये आज कौन हुकूमत पाकिस्तान ऐसे थे तो पता है कि क्लर्क भी कोई छीट नहीं चढ़ता। यहां दो सूबों में हुकूमतें, इमरान खान ने अपनी हुकूमतों को ठोकर मारी है और आज हम आपके दरमियान आए हैं आवाम के दरमियान। इससे पहले नेशनल असेंबली में हम तमाम लोगों ने अपने इस्तीफे स्पीकर के मुंह पे मारे हैं और हम लोग असेंबली से बाहर आए हैं, हमने कहा हम लोगों में जाएंगे। उसकी वजह थी, उसकी वजह यह थी कि हम असेंबलियों में इसलिए नहीं जाते कि हम कोई अमेरिका की गुलामी करने चले जाएं, हम इसलिए असेंबलियों में नहीं जाते कि लोगों को बुला के सिंध हाउस में कैद किया जाए और वहां पे कहा जाए कि इसको वोट देनी है और उसको वोट नहीं देनी। हम असेंबलियों में इसलिए जाते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की इज्जत और हुर्मत की हिफाजत कर सके, और इमरान खान ने और तरीके इंसाफ ने आपकी इज्जत और हुर्मत की हिफाजत की। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से तरीके इंसाफ के कारकुनों ने, जिस तरीके से तरीके इंसाफ के एमएलएज ने, एमपीएज ने अवाम की इज्जत के ऊपर अपनी सीटों को वारा, ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुआ। इससे पहले आपको मैं याद कराना चाहता हूं, मरियम नवाज ने अपने दो एमएनएज को कहा था, जिनमें जितने जो एक को था देवर सी, इस्तीफे दो, और दोनों मोबाइल फोन बंद करके चले गए। यहां 127 एमएनए ने और यहां पंजाब असेंबली में 186 एमपीए ने, और इंशाल्लाह कल खैबर पख्तूनख्वा में आप देखेंगे कि तमाम हमारे एमपीए ने इमरान खान के एक इशारे के ऊपर अपनी सीटों की, अपने ओहदों की, अपनी असेंबलियों की मेंबरशिप कुर्बान की। और इन 9 महीनों में पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो कयामत गुजरी है, जिस तरीके की महंगाई, जिम्मेदारों का, किसानों का उन्हें कमर तोड़ दी गई है, आज खाद का रेट पूछो, आज इतने अपनी दवाइयां का रेट पूछो, इन्होंने एंटी जिम्मेदार गवर्नमेंट आई हुई है पाकिस्तान में, एंटी ताजर हुकूमत आई हुई है पाकिस्तान में। क्यों?